या रब्बी, मुझे इन जमीनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। वो जमीनें जहां तूने मुझे हाकिम मुकर्रर किया है, दुश्मन मुख्तलिफ है और उनका हथियार भी मुख्तलिफ है। कोई नया है, मैं इन सबको तबाह करके रख दूंगा। दुश्मन को हमने सख्त जर्ब लगाई है बेटा, अब वो मिलकर हम पर हमला करेंगे, इसलिए तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। तुम आगे बढ़ो ताकि मासूम लोगों को सुकून हासिल हो सके। एक लोग सिपाही तुम्हारे इतने सिपाहियों की गर्दनें उड़ाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने कसम खाई थी काफी सालों पहले, शायद मेरे पैदा होने से भी पहले, मैंने कहा था कि मेरा नाम उस्मान है और मैं अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। वो वक्त भी आएगा, एक तारीख रकम होगी। लेकिन उसे पागलपन कहा गया, धुतकारा जाता रहा। वो लोग ठीक कहते थे, जो उसे पागलपन कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। वो नहीं जानते कि मेरी रगों में आखिरकार खून किसका है। उस्मान ने अभी तक दौड़ना शुरू ही नहीं किया। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब उस्मान अपनी तेज रफ्तार दिखाएगा तो उस वक्त हर सरदार, सल्तनत का हर बहादुर मेरे दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा हो जाएगा। मेरी नस्लों के रास्ते पर भी जानवर कुर्बान किए जाएंगे। सन इफ्लान गर्दू एम भी हुकुमतान से Büyük ve güçlü Sırbistan nasıl kurulur herkes görecek. Cihan Fatih'ini topraklarımıza bekliyoruz. Büyük Akıncı Konuralp. Sonunda kafese girdin ha? Kalbinize girdik. Bir gün bir Akıncı kellini almak için çıka gelir. Sen de kimsin? Adaletin kılıcı. Ama babamla gittiğim zaman bunların yaptırdığı zahim gelen çabuk. Bu silahla bütün şehirleri fethedeceksiniz. Hey maşallah! Arab, vaktan bahçe. आज के दिन हम हमारे बाद जो वली अहद होगा उसके नाम का ऐलान करेंगे। हमारे बाद इस सल्तनत के अंदर कोई फितनागरी की कोशिश ना हो। मेरे सुल्तान, बेजानियों ने सरहदों पर तुर्कमानियों की छावनी पर चढ़ाई कर दी है। के बेटे उस्मान ने अपनी आजाद रियासत कायम की। ये सब जानते हैं कि उस्मान साहब ये दिन देखने के लिए किस परेशानी से गुजरे। अब से हमें एक परचम तले मुत्तहिद होंगे। क्या ये सब खत्म हो गया उस्मान? नहीं तो, ये तो अभी शुरुआत है।